टू माय चैनल आईबी की पाठशाला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमारे सिंटेक्सेस स्टार्ट किए थे, जो कि हमारे MySQL सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर बात करी जाए हमारे कमांड सेक्शन को लेकर, तो कमांड्स और सिंटेक्सेस हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो। बात करते हैं, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमारे टोटल 6 सिंटेक्सेस कवर करते थे। सो कॉल्ड डेटाबेसेस के ऊपर 4 सिंटेक्सेस थे, क्रिएटिंग, आपका यूजिंग, आपका ड्रॉपिंग एंड आपका शो डेटाबेसेस कमांड। फिफ्थ वन टेबल के ऊपर जो हमने अप्लाई किया था, शो टेबल्स कमांड, जिससे टेबल की लिस्ट डिस्प्ले हुई थी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कमांड एंड द सिंटेक्सेस के अंदर हम लोगों ने टेबल को क्रिएट किया था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। अगर आपको सीखना है, आप प्लीज लास्ट वीडियो के अंदर जाकर उसे कवर अप करें, क्योंकि जो अगला हमारा कमांड सेक्शन और ये वीडियो है, ये लिंक कर रहा है हमारे कौन से वीडियो को, लास्ट वीडियो को। बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट वीडियो के सेक्शन को आज वाले वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑन MySQL सिंटैक्स। अगर हम आज बात करते हैं हमारे सिंटेक्सेस के अंदर, सबसे पहले कंटिन्यूड है ये लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन वाला सेक्शन, स्टार्टिंग विद द सेवेंथ सिंटेक्स, इंसर्टिंग डेटा इनटू अ टेबल। यानी कि जो टेबल हमने लास्ट टाइम क्रिएट करा था, वो क्रिएशन, वो क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर में आज हम क्या इंसर्ट करने वाले हैं, वैल्यू सेक्शन। हम बात करके चल रहे हैं डीएमएल सेक्शन की। लास्ट टाइम तक के वीडियोज में हमने जो कमांड सॉर्ट आउट करी थी वो थी डीडीएम, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएमएल के अकॉर्डिंग। पहला, इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल्स, वैल्यू इंसर्शन, स्टार्टिंग विद सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टीबी नेम इज द शॉर्ट नेम गिवन टू द टेबल नेम सेक्शन। एंड मैंने ये लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, दीज आर एंगुलर ब्रैकेट्स जो कि आपकी चेंजिंग वैल्यूज को बताने वाले हैं। देन मैंने अप्लाई किया हुआ है कॉलम लिस्ट। कॉलम लिस्ट इज अ नॉन मैंडेटरी सेक्शन। लास्ट वीडियो के अंदर ब्रैकेट्स को क्लासिफाई किया हुआ है, दीज आर स्क्वायर ब्रैकेट्स विच शोज नॉन मैंडेटरी वैल्यू। तो अगर आपको कॉलम लिस्ट देनी है, देन यू आर अलाउड टू इंसर्ट द कॉलम नेम्स। इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव द कॉलम नेम्स, तो आप जो सीक्वेंस है टेबल के कॉलम्स का, उसको फॉलो कीजिए। कंटिन्यू करते हैं आगे, वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, वैल्यू फोर एंड सो ऑन। यानी कि जिस ऑर्डर में आपको टेबल के कॉलम्स दिए हुए, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, स्टूडेंट टेबल के अंदर, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो के अंदर, हम उसी सीक्वेंस में क्या करेंगे, वैल्यूज को इंसर्ट कराएंगे। मैंने दो एग्जांपल्स यहां रखे हैं इस पूरे सिंटेक्स को डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन करने के, तसल्ली से देखिएगा और समझिएगा। स्टार्ट करते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। लास्ट वाले सिंटेक्स, मतलब जो हमारा लास्ट वाला सिंटेक्स था क्रिएट टेबल कमांड, उसी को कंटिन्यू करके हमने यहां वैल्यू इंसर्शन कराया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, कीवर्ड है ये भी, ब्रैकेट ओपन, रोल नंबर वन, रोल नंबर कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटीजर वैल्यूज आपके डेसिमल वैल्यूज, दे आर नॉट गोइंग टू इंसर्ट इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। लेकिन अगर बात करी जाए कैर वैल्यूज एज वेल एज डेट, ये तीनों तरीके की वैल्यूज आपके MySQL के अंदर जब इंसर्ट होती है, दे आर गोइंग टू इंसर्ट इट इनटू सिंगल कोट्स और डबल कोट सेक्शन, बिकॉज दे आर टेक्स्ट वैल्यूज, दे आर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर इंसर्शन हमेशा किसके अंदर होगा दोस्तों, आपके सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर एज स्ट्रिंग और टेक्स्ट वैल्यू। स्टार्ट करते हैं आगे, रोल नंबर वन कॉमा, सेपरेट आउट कर रहे हैं आप वैल्यूज को, सेकंड कॉलम इज नेम ओवर देयर, इसलिए हमने यहां नाम लिखा अजय, थर्ड कॉलम इज मार्क्स, हमने मार्क्स लिखे 90.50 एंड फोर्थ कॉलम इज ग्रेड, हमने ग्रेड असाइन करा कितना, A1। ये एक्चुअली यहाँ पे कॉलम की लिस्ट क्यों नहीं मेंशन करी हुई है, बिकॉज हम सारी वैल्यूज को इंसर्ट करा रहे हैं टेबल के कॉलम के ऑर्डर्स में। अगर डिस्टॉर्टेड होता, अगर कुछ वैल्यूज ही होती, सारी वैल्यूज नहीं होती, तो हमें कॉलम का नेम या कॉलम की लिस्ट बताना मैंडेटरी होता। एग्जांपल सेकंड इस चीज को कवर अप कर रहा है, देखते हैं हम लोग, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, टेबल नेम तक लाए, मेंशन करा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कौन कौन से कॉलम, रोल नंबर एंड नेम। यानी कि हम सिर्फ किसकी वैल्यू इंसर्ट कराएंगे इसमें, सिर्फ रोल नंबर देंगे और सिर्फ नाम देंगे। आगे देखते हैं वैल्यूज, कीवर्ड, ब्रैकेट ओपन, टू कॉमा अमित, बिल्कुल इसको मैच करता हुआ उसी सीक्वेंस में रोल नंबर के नीचे वैल्यू जाएगी टू एंड नेम के नीचे आपकी वैल्यू जाएगी अमें। यानी कि हमने इंसर्ट के अंदर दो तरीके के इंसर्शंस को परफॉर्म करा, एक इंसर्शन वो जो कि टेबल के सारे कॉलम्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है सेम सीक्वेंस के अंदर। तो हमने हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेटअप किया हुआ है उस चीज को कंक्लूड करते हुए, एंड हमारा सेकंड एग्जाम्पल बता रहा है कि अगर आप किसी भी फिक्स्ड वैल्यू में वैल्यू इंसर्शन करते हैं, फिक्स कॉलम नेम्स की वैल्यूज को आप इंसर्ट कराते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे कॉलम लिस्ट बतानी होगी एंड देन उसी अकॉर्डिंग वैल्यूज का इंसर्शन करके चलना होगा। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा इंसर्शन का सिंटेक्स नंबर 7।
बात करते हैं हमारा सिंटेक्स नंबर एट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन और सबसे कंफ्यूजिंग। ज्यादातर लोगों को इस वाले एट सिंटेक्स को लेकर कंफ्यूजन रहता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम एक कमांड कवर कहते हैं, मतलब कवर अप करके चलेंगे हमारा पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्टर कमांड्स। ऑल्टर एंड अपडेट दे आर द सेम, ये दोनों कमांड्स चेंजेस करती हैं, लेकिन ऑल्टर स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करता है जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, एंड ये अपडेट कमांड टेबल के डेटा के अंदर चेंजेस करती है। बात करते हैं आज अपडेट की। अपडेट डेटा इन अ टेबल, यानी कि टेबल के अंदर के डेटा को अगर आपको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? अपडेट। सिंटैक्स देखते हैं, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, यानी कि आप बता रहे हैं आपको जिस कॉलम को नई वैल्यू प्रोवाइड करनी है वो कहा लिखना है, सेट के साथ। एंड एक लास्ट चीज जो कि नॉन कंपल्सरी है, जरूरी नहीं है दी जाए, लेकिन अगर लगानी है तो आप लगा सकते हैं, वेयर कंडीशन। दो चीजें हैं दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपडेट टेबल नेम, ये तो सिंपल सा टेबल नेम है, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, ये चीज बता रही है कि आपको क्या चीज अपडेट करनी है, आप क्या चीज अपडेट करने वाले हैं, कौन से कॉलम को कौन सी नई वैल्यू देते हैं। लेकिन लास्ट सेक्शन बता रहा है वेयर कंडीशन, मतलब आप ये अपडेट कहां करने वाले, आप ये अपडेशन की वैल्यूज को कहां पर चेंजेस करेंगे, वो कौन सा सेक्शन बताता है, वेयर वाला सेक्शन बताता है। क्लियर? एग्जांपल्स देखते हैं, मैंने दो एग्जांपल रखे हैं फिर से दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए। पहला एग्जांपल, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 3, इसके अंदर वेयर की कंडीशन अप्लाइड नहीं है, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स जितने भी टेबल में इंसर्टेड है, 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20, 50, सबके मार्क्स में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि हम मार्क्स वाले कॉलम में 3 ऐड करेंगे और वैल्यू को फिर से उसी पोजिशन पर सेव करते जाएंगे। तो ये चेंजेस कर रहा है किसमें, सारे के सारे रिकॉर्ड में। ये चेंजेस किसके लिए जाएंगे, कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, हम सब स्टूडेंट्स के मार्क्स में कितना इंक्रीज करेंगे, 3 का इंक्रीज करेंगे। लेकिन दोस्तों सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 60, आपने कंडीशन दी है पहले, आप जो सेटअप कर रहे हैं वो क्या दिया है, आप मार्क्स को चेंज कर रहे हैं और कितना फिक्स कर रहे हैं, 60 देकर चल, किसके, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5। अब आपने यहां पे बिल्कुल प्रिसाइज कर दिया, अब आपने यहां पे बिल्कुल फिक्स कर दिया कि आप एक स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 5 है उसके मार्क्स को ऑल्टर करके कितना बना रहे, यू गोइंग टू चेंज इट इनटू 60। क्लियर दोस्तों, हमने दो तरीके के एग्जांपल देखे अपडेट के अंदर। पहला एग्जांपल जिसमें कोई कंडीशन नहीं है वेयर की, इसमें चेंजेस जो हुए ये सारे रोज और सारे रिकॉर्ड्स में चेंजेस करेगा, एंड सेकंड वाले चेंजेस जो हमने करने चाहे वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में है, और वो रिकॉर्ड इंसर्शन और वो रिकॉर्ड सिलेक्शन, जो वैल्यू इंसर्ट होकर चेंज हुई है और जो रिकॉर्ड का सिलेक्शन हुआ है वो किस कॉम्बिनेशन की वजह से है, सेट मार्क्स इक्वल्स टू 60 एंड वेयर आर नंबर इक्वल्स टू 5 का सेक्शन। यहां तक हमारी एक और सेकंड सिंटेक्स कवर हुआ आज के वीडियो का, वीडियो मतलब आपका सिंटेक्स नंबर 7 एंड 8 हमने यहां पर कवर किया। बात करते हैं 9th, एक और इंपॉर्टेंट सिंटेक्स टेबल सेक्शन को लेकर, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स और रोज इनसाइड अ टेबल, यानी कि दोस्तों टेबल रिमूव नहीं कर रहे, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कराया, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज आपने इंसर्ट कराई है, उनको हम कैसे हटाएं, उसके लिए हमारी कौन सी कमांड वर्क करती है, डिलीट। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, आप रिकॉर्ड को रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे टेबल से, वेयर कंडीशन, अगर कंडीशन दी है तो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस स्टूडेंट का डेटा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, एंड जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो टेबल में रह जाएगा। लेकिन ये भी दो तरीके से अप्लाई होती है, देखते हैं। पहला एग्जांपल, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, सिर्फ क्या लिखा, आप डिलीट कर रहे हैं कौन सी टेबल से डेटा को, स्टूडेंट टेबल से डेटा को, तो इससे क्या चीज होगी, इट विल रिमूव ऑल द रिकॉर्ड, यानी कि टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड रखे हुए सारे के सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आपके टेबल में 10 रो थी पूरी 10 साफ, 50 थी पूरी 50 साफ। क्लियर दोस्तों, बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3, यानी कि अब आप फिर से रिकॉर्ड को डिलीट करें लेकिन मैंडेटरी कंडीशन, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड हटाएगा और वो एक रिकॉर्ड किसका होगा, रोल नंबर 3 का, यानी कि एक कमांड से आपने टेबल के अंदर मौजूद सारे रिकॉर्ड्स को और सारी रोज को रिमूव करा, एंड दूसरे सेक्शन के अंदर आपने एक फिक्स रिकॉर्ड और एक फिक्स डेटा को क्या करा, रिमूव कर दिया। ये था हमारा कौन सा सिंटैक्स, सिंटैक्स नंबर 9, सो कॉल्ड डिलीटिंग कमांड्स। बात करते हैं 10th वन, ड्रॉप और डिलीट अ कंप्लीट टेबल विद स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी टेबल आपको रिमूव करनी है विद स्ट्रक्चर, आपका सिंपल सा सिंटैक्स, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, जैसे डेटाबेसेस को हटाने के लिए कमांड थी ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस का नेम, ऐसे ही टेबल को रिमूव करने की कमांड है ड्रॉप टेबल टेबल का नेम। एग्जांपल, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, जैसे आपने लिखा
ये कंप्लीट टेबल रिमूव हो गई विद ऑल द डेटा विद ऑल द स्ट्रक्चर, सब कुछ क्लीन हो गया, मेमोरी बिल्कुल फ्री हो गई आपकी। क्लियर, बात करते हैं सिंटेक्स नंबर 11 एंड वन ऑफ द यू नो लीस्ट बॉदर्ड, हाँ ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन कहा जाए सीखने वाले सिंटेक्सेस में से एक। बात करते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, यानी कि आपने जो टेबल बना दी है क्रिएट कर दिया, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर चेक करना है कि क्या क्या कॉलम को क्या क्या डेटा टाइप दिया, कितना साइज रखा, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस लगाए। अभी तक दोस्तों हमने कोई भी टेबल नहीं बनाई जिसमें हमने कंस्ट्रेंट यूज किए, कंडीशन यूज करिए, हम आने वाले वीडियोस के अंदर ये चीज पढ़ेंगे। तो आज बात कर रहे हैं अभी सिर्फ हम सिर्फ स्ट्रक्चर की। आपका सिंटेक्स है डिस्क्राइब या फिर कीवर्ड, डीईएससी दोनों अलाउड है, डिस्क्राइब भी लिखना अलाउड है आपको एंड डीईएससी भी लिखना अलाउड है आपको टेबल नेम। एग्जाम्पल डिस्क्राइब स्टूडेंट, डीईएससी स्टूडेंट, आप सामने देखिए मैंने इसका आउटपुट पूरा ड्रॉ किया हुआ है, MySQL का कंपाइलर आपको स्क्रीन पर ये पूरा आउटपुट ड्रॉ करके देगा। फील्ड नेम्स कितने थे, चार, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, चारों के डेटा टाइप, इंट में 3, वर कैट 25, डेसिमल 5.2, क्या ये है आपका डिस्क्रिप्शन टेबल का। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमने क्योंकि कोई भी कंस्ट्रेंट या कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है इसलिए मैंने आगे के कॉलम्स नहीं बनाए, प्राइमरी कीज, नल, नॉट नल एंड सो ऑन, वो कॉलम्स मैंने अभी यहां डिस्क्राइब नहीं करे क्योंकि ये सबसे बेसिक सेक्शन था, इसलिए डिस्क्राइब को सिंपल एंड इजी रखा। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारा आज का वीडियो भी खत्म होता है। एक बार समराइज करता हूं फटाफट सारी कमांड्स को, स्टार्टिंग विद सेवन सिंटेक्स हमने स्टार्ट करा था। सबसे पहले जो हमने रखा इंसर्शन, जो कि टेबल के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था, आज वाले वीडियो से इंसर्ट कमांड से हमने उसके अंदर डेटा इंसर्शन स्टार्ट करा। अगर आपने रिकॉर्ड में या डेटा को जो इंसर्ट कराया रिकॉर्ड्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में टेबल के अंदर, अगर आपको उसमें कोई भी अपडेट करना है आप सिंटेक्स नंबर 8 फॉलो करेंगे अपडेट कमांड वाला। अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड रिमूव करना है किसी भी स्टूडेंट का डेटा या उसका पूरे के पूरा रिकॉर्ड रिमूव करके चलना है आप सिंटेक्स नंबर 9 फॉलो करेंगे, दैट इज योर डिलीटिंग कमांड्स। अगर बात करें पूरी की पूरी टेबल हटानी है विद स्ट्रक्चर, दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, डिलीट के अंदर सिर्फ रिकॉर्ड्स हटते हैं, स्ट्रक्चर कभी नहीं हट सकता। अगर आपको स्ट्रक्चर समेत पूरी पूरी टेबल को रिमूव करना है आप यूज करेंगे कौन सी कमांड, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम कमांड, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। एंड लास्ट 11 जो हमने आज पढ़ा, पर्टिकुलरली अगर हमें टेबल के स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करना है या स्ट्रक्चर को देखकर चलना है कि क्या टेबल किस डेटा टाइप के साथ कैसे आपने बनाई थी, दैट पर्टिकुलर कमांड इज डिस्क्राइब टेबल नेम। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।